हे गाइस वेलकम बैक टू आवर बांग्ला ब्लॉग चैनल दैट इज लव फॉर एवर और এটা হচ্ছে ফতেপুর সিকরি পার্ট 2 ব্লগ আর ফতেপুর সিকরি পার্ট 1 অলরেডি আপলোড করা আছে আমাদের চ্যানেলে দেখতেই পাচ্ছ ডান দিকে পপ আপ হচ্ছে লিংকটা তো ওটা পারলে একবার দেখে নিও তারপরে তোমরা এই ব্লগটা দেখতে পারো তো চলো তাহলে বেশি দেরি না করে ব্লগটা শুরু করা যাক कि अकबर की जो हिंदू रानी है ना छोटा भाई उस टाइम में वो हाथी जजमेंट किया गया उसकी आँख से पट्टी बांधते थे तो राति अपने सूर से स्मेल करता ये दोषी है अगर वो दोषी होता था उसी टाइम हाथी अपना कान रखता था मार देता था और अगर वो दोषी नहीं होता तो उसको स्मेल करके छोड़ देता था तो हाथी अकबर के ज़माने में हिसाब किया था इसके नीचे हाथी की डेड बॉडी उसके ऊपर ये टावर बनाया उसके जो राउंड वाइट वाइट कलर के फिगर के अंदर जो पत्थर के दांत नज़र आ रहे होंगे वो पत्थर के दांत लगे हुए हैं लेकिन वो ओरिजिनल थे ओरिजिनल ब्रिटिश गवर्नमेंट ले गई तो वो एलिफेंट है हाँ ओरिजिनल तो गवर्नमेंट ले गई ब्रिटिश लेकिन स्टोन के लगा दिए तो वो एलिफेंट डूम यानी कि खूनी हाथी की कबर दूरी में जो डैम नज़र आ रहे हैं ना जहाँ से गाड़ियाँ जा रही हैं वो अकबर ने आर्टिफिशियल वाटर लेक बनाया मोती झील जो पानी की कमी थी यहाँ ये जगह यूपी की लास्ट है यहाँ से आगे राजस्थान है 20 किलोमीटर है भरतपुर वो राजस्थान वाला रोड जो भी आप जाएंगे ना हाँ। जाएंगे छोटे छोटे हॉल्स हैं ये कबूतर के रहने की जगह जहाँ से कबूतर चिट्ठी लेके जाते थे अच्छा। जब पोस्ट ऑफिस ये पोस्टमैन अभी भी यहाँ रहते हैं और ये स्मॉल टू बिग स्मॉल ब्लैक डोम्स हैं ये उस टाइम के मिंट हाउस हैं टकसाल सोने चांदी के सिक्के बनते थे कॉइन और वो सामने गाँव में सीकरी यहाँ से देखें वो सामने गांव सीकरी है ये फतेहपुर है कंबाइन करके बोलते हैं फतेहपुर सीकरी और सीकरी गांव के लोग समटाइम वहाँ उस माउंटेन पर जाते हैं जिसको बोलते हैं अरावली हिल देख रहे हैं ना माउंटेन अच्छा इसका इसको बोलते हैं अरावली पर्वत यहाँ से ये दिल्ली तक जाता है जाते हैं हस्बैंड वाइफ है ना तो सबसे पहले हैंड वॉश करते हैं यहाँ सर पर अपना रुमाल चुनिया रखते हैं दरगाह में जाते हैं सीधे पैर से एंट्री करते हैं राइट पैर अपना मतलब होता है तो दरगाह में लोग जाते हैं अपना माथा लगाकर हस्बैंड वाइफ के नाम से जोड़े के सलामती के नाम से सबसे पहले लोग चढ़ाते हैं चुनिया इसको लोग चादर बोलते हैं उस पर फूल चढ़ाते हैं अगर कोई मन्नत होती है तो अंदर जाली है तीन साइड में किसी भी साइड में लोग धागा बांधते हैं मन्नत एक धागे से वहाँ तीन विश कर सकते हैं एक गांड बांध के एक मन्नत दो गांड बांध के दो मन्नत तीन गांड बांध के तीन मन्नत तीन बनने से ज़्यादा नहीं करते मन्नत बेटे के लिए पढ़ाई के लिए नौकरी के लिए शादी के लिए मम्मी के लिए भाई के लिए ब्रदर के लिए एनी काइंड सामने जाकर ऐसा लगेगा इसके अंदर ग्लास होता है यानी जिसके अंदर कोई कांच के टुकड़े लगे उसको सामने जाने के लिए यहाँ से हम लोग जाली लगेंगे ऐसा लगेगा इसके अंदर छोटे छोटे बारीक टुकड़े लगे हुए हैं यहाँ से हम लोग बाहर का व्यू देख सकते हैं और बाहर जाने के बाद अंदर तक इनसाइड ऑल रूफ का जो रेन वाटर होता है ना यहाँ से नीचे डाउन होता है चैनलों पे जाता है चैनलों से जाकर वहाँ एक वाटर टैंक के कनेक्ट होता है इसको लोग बाबा का होली ड्रिंक वाटर सोर्स कहते हैं बरसात के जिसमें पिलर टू पाइप दोनों काम करते हैं ये वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम था ये लोग वाटर स्टोर करते थे तो यहाँ पानी की प्रॉब्लम थी সুন্দর সুফি কাওয়ালি চলছিল বাট আনফর্চুনেটলি এটা দেখাতে পারলাম না কারণ কপিরাইট ইস্যুর জন্য সো চলো তাহলে দেখা যাক বাকি জায়গাগুলো সেলিম চিস্তি দরগা থেকে टनल सुरंग जो बोलते हैं ये टनल यहाँ से तीन जगह जाता है यहाँ से आगरा आगरा से दिल्ली दिल्ली से लाहौर पाकिस्तान अकबर के टाइम में कार नहीं थी सड़क नहीं थी उस टाइम में लोग वॉक करते थे एनआर किले की जो सलीम की कबर है वो लाहौर में बनी पाकिस्तान में अभी आप आगरा जाएंगे बाइक का 40 किलोमीटर है और आगरा यहाँ से वाइव 20 किलोमीटर है जस्ट ये शॉर्ट वे थे उस टाइम में चूना सीमेंट नहीं था तो मिट्टी की सुरंग है सब डैमेज है फिलहाल जो लोग अंदर जाते थे यहाँ से ऑक्सीजन ये जो हॉल्स हैं ये मिट्टी से बंद किए गए ये हॉल्स थे सब बंद कर दिए
জিনিস বলবো সেটা হচ্ছে যে তোমরা এখন যে দরজাটা দেখলে তো ওখানে মনে করা হয় যে ওখানে আনারকলিকে জীবন্ত কবর দেওয়া হয়েছিল। अंदर दरगाह में सलीम चिश्ती के ग्रैंड शंटी जहांगीर के टाइम में डाका बंगाल के कमांडर थे फौज में थे और इनका ये कहना था जहां सलीम चिश्ती की दरगाह बने वहां मेरी बने तो डाका बंगाल से लाकर इनकी दरगाह। किस तरीके से लोग बनाते हैं ये चीज़? ये हमारे गांव का फेमस लोग आर्टिस्ट हैं या छोटा वाला कैंडल लगाएंगे और करेंगे ब्यूटीफुल टी लाइट का लोगों को गिफ्ट करने के लिए घर में रखने के लिए एक छोटा सा सुविधा रखी सब भी सब कुछ सुविधे गए वहाँ से छोड़ कर आए बाई सब एंड वन इज दिस दीप सुन छोटा वाला कैंडल लगाएंगे कवर करेंगे एंड द ब्यूटीफुल लाइट टी लाइट सुविधे होता है सब घूमने फिरने खाने पीने में लेने देने में बहुत पसंद होता है ये आपके साथ दिस इज एवरीथिंग टू डू दिस इंसेंस लगाएंगे बड़ा कैंडल छोटा कैंडल मीडियम कैंडल और बिग कैंडल पेन स्टैंड पेंसिल स्टैंड लिपस्टिक स्टैंड यूज कवर दिस इंसेंस एज सरप्राइज इंसेंस तो ওখান থেকে এসে বেরিয়ে আমরা লাগেজ নিয়েছি মানে ব্যাপারটা হয়েছিল কি যে আমাদের গার্ড ছিল তো উনি দরগা নিয়ে গেছিলেন সেদিন শেষে তো আমরা গেছিলাম মানে উনি অনেকটা ইনসিস্ট করছিলেন দরগা যাওয়ার জন্য তো দরগা থেকে বেরিয়ে যখন আমি শু করছিলাম প্রথমে উনি বলেছিলেন যে এটা পুরো মানে ফিল আপ কস্ট হবে আর তো এখানে যখন আমরা জুতো ফের করলাম তখন ওরা বুঝে যে না ফিল আপ কস্ট হবে না আপনাকে পে করতে হবে আমরা চিনি না এরকম কি গার্ড আছে বলে আমাদের একটু মানে লাইক সারপ্রাইজ হয়ে যায় আমরা যে ব্যাপারটা কী হচ্ছে তাড়াতাড়ি করে আমরা নিচে নেমে আসি একটু দৌড়ে দৌড়ে যে আমাদের লাগেজ নিচে আছে মানে ওদেরই কন্ট্যাক্ট বাট আমি মানে লাগেজ কিছু হয়নি সেফলি লাগেজ নিয়ে নিয়েছি আমরা তো লাগেজ নিয়ে বেরিয়ে আমরা এক ঘন্টা পাশে ফেলে এসেছি ছোটো মানে একটা সামান্য আর মানে ঘোরা হয়নি মানে বেশি আর ঘুরে দেখিনি এখানে সব এরকম স্টল টাইপের ঘুরে তো আর ভীষণ জোরে খিদে পেয়েছে সো এখানে খাবারও দিয়েছে লস্যি খেলাম এখানে খাবারও দিয়েছে দেখাচ্ছি আমি একটা গোবি আলু একটা চাটনি আর জিরা রাইস আর রুটি আসছে আর ইনি এখন কী ভাবছেন খুব টেনশন হয়ে গেছিল লাগেজ নিয়ে ভাবছি যাবো কি করে এখন বৃন্দাবনে তো ওটারই একটু প্ল্যানিং করছিলাম তো দেখি কিছু না কিছু জোগাড় তো হয়েই যাবে যেরকম হয়ে যায় সো ইয়েস তো বৃন্দাবনে দেখা যাবে খেয়ে নিতে হবে কিছু করার নেই যা পাওয়া যাচ্ছে ভিডিওটা ভালো দেখে থাকলে লাইক করতে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না দেখা হচ্ছে তোমাদের সাথে মথুরাতে গিয়ে টাটা বাই বাই ভালো থেকো।